हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जे एस बी डी ब्लॉग और मैं हूं बादल कुमार। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहां से स्टार्ट। दोपहर का टाइम हो रहा है 2 और आज डेट है 29 तारीख। तो सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और अभी 2 बज रहा है तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है। और अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में कि एक राजा का गढ़ है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो अभी मैं उसी का वीडियो बनाने जा रहा हूं। और अभी मैं रांची पे ही हूं, घर पे मौसी के। तो अभी चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी बनाएंगे वीडियो। और यहाँ पे गेहूं सूख रहा है क्योंकि आज धूप निकला हुआ है इसी कारण से, क्योंकि आपको तो पता ही है डेली पानी आता है, तो इसी कारण से यहाँ पे अभी गेहूं सूख रहा है। और अभी देखते हैं गाड़ी को भी वाश कराना, पहले गाड़ी को वाश करवाते हैं, उसके बाद आएंगे राजगढ़ का आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो पे नया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन पे एक जूता मार के जाइएगा ताकि मेरा बेल आइकन बच जाए। और इसके बाद तो आप जान, अभी हम लोग जा रहे हैं जैसे कि आपको बताया था राजा का गढ़ जो एक रातू में है, राजा का गढ़। तो अभी मैं भी रातू में हूँ और अभी हम लोग को यहाँ से जाने में टाइम लगेगा लगभग 5 मिनट, क्योंकि यहाँ से मेरे मौसी घर से सामने है। तो अभी जस्ट चलते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है 4। मैं आप लोग को बोला था कि मैं 2 ही बजे चलूँगा, बट किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया। तो अभी मैं अभी निकलने वाला हूँ और मेरे साथ मेरा भाई जाएगा। चलिए देखते हैं, उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या है नहीं है, कैसे था क्या था। तो चलिए वीडियो में बने रही। आपको मैं इसका नाम नहीं बताया था, इसका नाम है जिमी। और एक बार इसके साथ हाई कर लेते हैं। हाय जिमी। हाय करे नहीं, मैं हाई नहीं करूँगा। हाय ना हाय, आ जा, क्या हो गया है? मतलब इसका सेहत ठीक नहीं है, कुछ खा भी नहीं रहा है और बहुत ही ज़्यादा साइड में रहता है। को किसी से पहले तो खेलते रहता था सबके साथ, बट देख सकते हैं अभी भी ये उतरने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शायद इसका तबीयत ख़राब है और कुछ खा भी नहीं रहा है। देखते हैं कब तक इसका तबीयत ख़राब ठीक होता है। और चलिए अभी चलते हैं, भाई आ ही रहा है, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट फिर राजगढ़। और अभी शाम का टाइम, काफ़ी अच्छा मौसम बन चुका है, बादल हो चुका है पूरा आसमान में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो देखते हैं अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से। और इस मियाँ को देखिए, चलिए इसे छोड़ देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते क्योंकि इसका सेहत अच्छा नहीं है। जाओ तू, जाओ जी लो अपना ज़िंदगी, जाओ तुम जी लो अपना ज़िंदगी। देख सकते हैं मेरे साथ मेरा भाई जा रहा है, मेरी मौसी का बेटा छोटू। और मास्क भी ले लिए हैं क्योंकि बाहर जाना भी है ज़रूरी और मास्क लगाना भी है ज़रूरी। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं, 5 मिनट लगेगा। तो अभी वीडियो बने रहिएगा आप लोग, ताकि आपको पता चल सके कि अभी हम लोग कितना टाइम लगता है। चलिए अभी पहुँचते हैं आप लोग सब। राजागढ़ आप लोगों ने तो देखा, तो आपको जैसे कि यहाँ पता है ये राजागढ़ आपका रांची ज़िला में पड़ता है जो कि रातू में है। और अगर आप रांची से आते हैं मेन टाउन से, तो 10 किलोमीटर लगभग आपको तय करना होगा डिस्टेंस, तब आ जाके आप यहाँ पहुँचिएगा। और अगर आप रामगढ़ से आते हैं तो रामगढ़ से आने में लगभग आपको 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी अच्छा जगह है राजागढ़ है, बहुत ही सालों से यह चलते आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही सालों से। और एक बात मैं और बता दूंगा, यहाँ पे रथ मेला भी निकलता है, देख सकते हैं पीछे रथ भी खड़ा है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे रथ भगवान का ही पूजा होता है, जो भी भगवान होते हैं उनका पूजा होता है और यहाँ मेला लगता है। मेरे पीछे देख सकते हैं फाइनली मेन गेट वो है, यहाँ से राजा जाते थे और देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है वो देखिए। और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते रहते हैं, अगर फैमिली के साथ आते ही रहते हैं देखने के लिए।
और ये दो टाइम खुलता है, दुर्गा पूजा में एक दिन और जब मेला का दिन रहता है लास्ट दसवीं उस दिन खुलता है, और एक दिन रामनवमी के दिन खुलता है जो कि अंदर से बहुत ही अच्छा है। आपको अभी तो खुला नहीं, बट मेरे पास एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा दिखता है नहीं दिखता है। और छोटू बताएगा कब खुलता है, छोटू दशहरा टाइम खुलता है ना? हाँ दशहरा और रामनवमी के टाइम खुलता है। तो मैं तो कभी अंदर घुसा नहीं हूँ क्योंकि बाहर से ही बहुत अच्छा है। अभी दिखाते हैं आप लोग और भी अच्छा से, पहले वीडियो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मेन गेट यहीं पे है, और ये जो आपको फील्ड दिख रहा है यहाँ पे मेला लगता है क्योंकि पूजा होता है जगन्नाथ मंदिर का, जो ये मंदिर है इसका पूजा होता है, और यहाँ से रथ भी निकलता है और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। ये देख सकते हैं गेट क्या ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है, और ये ग्राउंड है जो कि यहाँ पर मेला लगता है, और ये इसी के अंडर में आता है, ये पूरा आसपास का जितना दिख रहा है। इधर से देख सकते इधर से एंट्री है, इधर से आप रोड तरफ से आ सकते हैं। इस राजगढ़ का कहानी बहुत ही कुछ ज़्यादा ही लंबा है। मेरे को सुनने को आता है कि जो राजा रानी थे वो तो नहीं रहे, बट जो अभी भी उनका जो रूम है वहाँ पे नागनागिन सांप रहते हैं, जो कि आपने देखा ऊपर में, देखिए अभी भी एक नागनागिन का फ़ोटो बनाया हुआ है ऊपर में, और ऐसा कहते हैं लोग, अब पता नहीं शायद ऐसा हो, मैं अंदर से नहीं गया हूँ, बोलते हैं शायद क्योंकि जो अंदर का माली है वो देखा है, और इससे पता चलता है कि शायद होगा। तो कुछ कहानी और भी है, बहुत ही लंबा कहानी है, मैं अगर वीडियो में पूरा बता दूंगा तो लंबा हो जाएगा। आप आइए, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, घूमिए और एंजॉय लीजिए, अच्छा जगह मस्त, आइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको अंदर जाना है तो आप दुर्गा पूजा के टाइम आइएगा, या तो फिर रामनवमी के टाइम, क्योंकि एक ही दिन खुलता है, और अंदर में जो सीन है वो काफ़ी ही अच्छा है। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो नहीं गया हूँ, ना ही अभी खुला, बट मेरे भाई जो यहाँ रहते हैं यहीं पे घर है वो गया है अंदर, तो मैं उससे एक क्लिप लेके आपको डाल दूंगा वीडियो में, आप लोगों ने देखा कि क्या है नहीं है। और इसके अंदर मतलब बहुत ही अच्छा फूल का बागवानी किया हुआ है, मतलब आपको बहुत तरह का फूल देखने को मिलेगा जो अभी तक मैं देखा नहीं हूँ, मतलब अच्छा अच्छा फूल लगा हुआ, पूरा फूल का बागवानी किया हुआ। और बोलिए तो अंदर में मोर पक्षी, मतलब सारा तरह का पक्षी भी है, क्योंकि सबको रखा जाता है अंदर में, चिड़िया का भी घर बनाया हुआ है समझिए एक तरह से, और काफ़ी सुंदर है अंदर से। तो ये कभी देखिए, सुनने में क्या है, आके देखने में जो मज़ा है वो मज़ा कहीं नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम लोग घर, और फिर घर जाके ब्लॉग को एंड करेंगे। अभी देखते हैं, शाम का टाइम हो रहा है 5, तो आपको तो पता ही होगा अभी तो दुकान वुकान बंद हो चुका होगा, तो चलते हैं अभी घर की ओर। तो गाइस मेरे तरफ से गुड नाइट सबको, और मेरा भाई है, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे अभी? हेलो गाइस, मेरे भाई को सपोर्ट करें, बहुत मेहनत कर रहा भाई, जल्दी जाओ और लाइक ठोक के जाना कहीं, अगर वीडियो से पहले वीडियो देखे हो तो पूरा लाइक ठोक के जाना, और सब्सक्राइब करना चैनल को।
और बेलैकन पे एक जूता मैं मार भाई के जाना, 1 घंटा दबा गया ना। बेलैकन पे एक जूता दबा के जाना ताकि वो दब सके। चलिए फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं आप लोग को एक अगली ब्लॉग, एक अच्छे से अगली ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।